हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक और आसान और झटपट मिठाई की रेसिपी बनाने वाले हैं, जिसका नाम है शाही टुकड़ा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, शाही टुकड़ा बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है ब्रेड। 6 से 7 पीस हैं तो ब्रेड को काट लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने सारे पीस काट कर तैयार कर लिए हैं, तो इनको सैलो फ्राई कर लेते हैं। ये हमने पैन में घी डाल दिया है और गर्म होने के लिए रख दिया है, तो इनमें हम ब्रेड को सेक लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही झटपट और आसान मिठाई है, इसलिए आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ये एक तरफ से सिक चुके हैं तो इनको पलट देते हैं और ऐसा ही गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सारे ब्रेड को पीस को सेक लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए ये सिककर तैयार हो चुके हैं, तो हम इनको निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेंगे। तो ये आधी कटोरी चीनी ली है और इससे भी आधा पानी डाल देंगे। हमारे पास चाशनी पहले की रखी हुई है, इसलिए खाने के लिए बना रहे हैं। हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है, अब ये चाशनी बनकर तैयार है। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर। इसमें थोड़ा सा कलर डालेंगे। और अब चाशनी बनकर तैयार है। पहले की बनी हुई चाशनी रखी थी, तो ये हमें इसमें मिक्स करके गरम कर लेते हैं। अब ये गरम हो चुकी है तो गैस को बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये ठंडे हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी हैं, तो इनको चाशनी में डिप करके तैयार कर लेते हैं। अब इनको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये गरम चाशनी है, गरम चाशनी में डिप करना है और थोड़ी देर बाद ही निकाल लेना है। एक चीज़ गरम होना चाहिए, या तो ब्रेड या तो फिर चाशनी। ऐसे ही हम सारे ही तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए ये बनकर तैयार हैं, तो हम इनमें थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा छिड़क देते हैं। थोड़े से पिस्ते की कतरन से भी सजा देंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसी लगी। और इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।